हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज आपके लिए अगर आप भी चाहते हैं कि एंगुलर डेवलपर बनना तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम आपको देते हैं एक कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एंगुलर की ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही साथ हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप उस पर क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अपना बैच चूज कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा और कंसेप्ट वाला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कि सर्विस क्या है, सर इसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं और क्यों सर्विस बनाते हैं। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक एक स्टेप को आपको अच्छे से समझाएंगे। और राइट, तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हम सर्विस क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम यूज करते हैं। सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप आप तो समझाएंगे देखेंगे, इसलिए आप दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिए और हो सके तो नोट भी करते जाइए, क्योंकि एज ए डेवलपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इंटरव्यू में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। राइट, तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों सर्विस क्या होता है कि एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। राइट, मीन्स कि दोस्तों हम बोल सकते हैं कि सर्विस एक फंक्शन होता है जिसमें लाइन ऑफ कोड होते हैं जिसको हम किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। राइट, ये दोस्तों ये हमारे ये या तो वैल्यू को कंटेन करता है या फिर फंक्शन को कंटेन करता है या फिर दोनों के कम्बिनेशन को कंटेन करके रखता है। राइट, तो दोस्तों इसको जहां भी हमें यूज करना होता है तो वहां पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करके, जो मैकेनिज्म है डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी आपके नया वर्ड है, इसको हम बताएंगे आगे आपको कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करके हम सर्विस को अपने कंपोनेंट पर इंजेक्ट कर लेते हैं जहां पर हमें यूज करना होता है। राइट, तो दोस्तों यहां पर ये देखने वाली बात है कि जो सर्विस है हमें कोड रीयूजेबिलिटी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मींस कि दोस्तों अगर हमारे पास ऐसा कोई वर्क है जो कि हर कंपोनेंट पर या बहुत सारे जगह हमें उस वर्क को परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए एक सर्विस बना लेंगे। राइट, उस सर्विस में उस फंक्शन को या कोड को लिख लेंगे जो कि हमें हर जगह यूज करना है बार बार। तो क्या करेंगे कि हम सर्विस बना लेंगे, उस सर्विस को जहां भी हमें नीड हो, जिस कंपोनेंट पर नीड हो, वहां पर हम इंजेक्ट करेंगे और उसके मेथड और वैल्यू को हम एक्सेस करके यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि एंगुलर सर्विस इज सिंपली ए फंक्शन डेट अलाउ अस टू एक्सेस इट्स डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। राइट, मींस कि एंगुलर एक सर्विस एक फंक्शन है दोस्तों जो कि हमें अलाउ करता है कि उसके प्रॉपर्टीज और मेथड को हम एक्सेस कर लेते हैं इजीली, और ये हमारे कोडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हेल्प करता है। राइट, तो आपको समझ में आया होगा कि हम सर्विस बनाते क्यों हैं। मींस कि हमें सर्विस इसलिए बनाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को हमें परफॉर्म करना हो और बार बार हमें कहीं कहीं यूज करना हो या फिर उस सर्विस को हमें कहीं भी एक्सेस करना हो, तो हम एक सर्विस बनाकर रख लेते हैं जिससे हमें कोड रीयूजेबिलिटी की भी फैसिलिटी मिलती है। राइट, तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे। हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप इजिली कोई सर्विस क्रिएट कर लें और उसको यूज कर लें। इसलिए आप हर स्टेप को अच्छे से देखिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। राइट, तो दोस्तों अगले फर्स्ट स्टेप में मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे क्रिएट करेंगे सर्विस। राइट, तो दोस्तों इसके लिए कमांड होता है, राइट, जो कि ng जेनरेट सर्विस और माई सर्विस नेम। आप टर्मिनल में जाएंगे, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सर्विस क्रिएट करना है तो उसके टर्मिनल में जाएंगे और वहां पर सिंपली टाइप करेंगे दोस्तों ng जेनरेट सर्विस और सर्विस का नेम। राइट, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर में, यहाँ पर कि ng जेनरेट सर्विस और माई सर्विस नेम लिख रखा है जो कि सर्विस का नेम है। तो जैसे ही दोस्तों इसको इंटर हिट करेंगे टाइप करके, तो दो फाइल जनरेट होगा। राइट, तो वहां पर एक तो होगा कि आपका सर्विस का .ts फाइल बनेगा और एक सपोर्टिंग फाइल बनता है।
अगले अगला क्या करेंगे दोस्तों, किसको हम इंपोर्ट करेंगे, जहां भी हमें यूज करना है दोस्तों जिस सर्विस में, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जहां भी हमें जिस प्रोजेक्ट में हमें सर्विस यूज करना है वहां पर सर्विस हम जनरेट कर लेंगे। उसके बाद सर्विस में हम इंजेक्टेबल को क्या करेंगे, कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपको उसके टॉप पर ये लिखना होगा, इंपोर्ट इंजेक्टेबल फ्रॉम एंगुलर स्लैश कोर। तो ये दोस्तों जैसे ही जनरेट करेंगे आप, तो ये ऑलरेडी इंपोर्टेड आता है, अगर नहीं है तो आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों के थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे ये करेंगे दोस्तों कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर को ऐड करेंगे, ये भी आपके सर्विस में बना बनाया आएगा, अगर नहीं है तो आप इसको एड्रेट इंजेक्टेबल और प्रेंथेटिस लिख के इसको इस डेकोरेटर को ऐड करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि डेकोरेटर में क्या होता है कि एड्रेट से स्टार्ट होता है और लास्ट में हम फंक्शन का जो प्रेंथेसिस होता है उसको लगाते हैं, और इसमें कोई सेमी कॉलन नहीं लगाते। तो ये डेकोरेटर होता है, इस डेकोरेटर को ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों होता है कि हम इसके लिए एक्सपोर्ट क्लास बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इम्पोर्ट भी वर्ड देखा। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि दोस्तों कि हम अपने उस क्लास या उस कंपोनेंट में कोई भी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट जहाँ पर लगाते हैं दोस्तों कि मीन्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसी तो उस सर्विस में क्या करेंगे कि हम एक्सपोर्ट क्लास और सर्विस का एक बनाएंगे क्लास जो कि एक्सपोर्ट कीवर्ड का होगा। तो एक्सपोर्ट का मतलब कि इसको हम किसी भी कंपोनेंट पर जहां पर यूज करना होगा इस क्लास को हम एक्सेस कर लेंगे, एक्सपोर्ट लगा दिया हमने तो। तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट क्लास और एग्जाम्पल सर्विस बनाया, इस एग्जाम्पल सर्विस को हम जिस कंपोनेंट पर यूज करना होगा इस सर्विस को, तो एक क्लास हमें इजिली एक्सेस हो जाएगा। और इसके अंदर जो सम मेथड है, इस मेथड है, इस मेथड को हम एग्जाम्पल सर्विस के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। मीन्स कि ये एक्सपोर्ट क्लास हमने बनाया, उसके अंदर हमने मेथड बनाया, और इस एग्जाम्पल सर्विस का जो हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर सम मेथड को इजिली एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों है कि अगला कि स्टेप 5 में हम ये देखते हैं कि जहां पर सर्विस को, जिस कंपोनेंट पर हमें सर्विस को यूज करना हो, वो उस कंपोनेंट पर इस सर्विस को हमें क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा। दोस्तों अब तक तो हमारा सर्विस क्रिएट हो गया, अब हम यूज करने चल रहे हैं, तो हम मीन्स कि जिस कंपोनेंट पर हमें यूज करना है तो वहां पर हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट या एग्जाम्पल सर्विस जो हमने बनाया अभी एक्सपोर्ट क्लास, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं डॉट एग्जाम्पल डॉट सर्विस से। मीन्स कि सर्विस से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इसको करके हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे दोस्तों आपको। उसके बाद 6 नंबर स्टेप में हम ये देखेंगे कि हम प्रोवाइडर ऐड करते हैं। दोस्तों जब भी हम सर्विस यूज करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोवाइडर ऐड करना होता है। प्रोवाइडर भी हम दो तरीके से ऐड करते हैं, दो लेवल का होता है, एक तो कंपोनेंट लेवल होता है और एक ऐप लेवल होता है। तो अभी हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कंपोनेंट लेवल का प्रोवाइडर ऐड करेंगे, जिसका एग्जाम्पल करके देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपोनेंट में ही हमने प्रोवाइडर्स और एरे ब्रैकेट के अंदर उस सर्विस के नेम को हमने ऐड कर दिया, मीन्स कि हम प्रोवाइडर ऐड कर दिए इस सर्विस का। जब हम ऐप लेवल के लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहां पे आप दिखाएंगे कि ऐप लेवल प्रोवाइडर कैसे ऐड करते हैं, जो कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए ऐड हो जाता है। और क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे आगे। और दूसरे स्टेप में देखेंगे कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे कि उस सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या सिंपल तरीका होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम प्राइवेट लिखते हैं और उसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं और उस सर्विस टाइप का बनाते हैं, मीन्स कि इसी को हम इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये जो दोस्तों जो अंडरस्कोर एग्जाम्पल सर्विस बना, जो वेरिएबल बना, इसी के थ्रू, क्योंकि ये सर्विस हमारा यहाँ पर इंजेक्ट हो गया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसलिए करते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि अपने आप ये कॉल हो जाता है। तो इसमें ये सर्विस के अंदर, जो एग्जाम्पल सर्विस के अंदर ये सर्विस का इंजेक्ट हो गया, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि इसके मेथड को यूज कर लेंगे। तो जो फाइनल स्टेप होता है दोस्तों 8 स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे कि इसको यूज करेंगे ऑन एनजी इनिट पर, या फिर किसी भी इवेंट पर हमें जब यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट टाइटल या जहाँ जो भी स्ट्रिंग है उसमें आपको कॉल करना है उस मेथड को, तो उसको कॉल कर लेंगे। दिस डॉट, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल सर्विस जो कि हमारा वेरिएबल है जिसको हमने इंजेक्ट कर रखा है, इस वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, सम मेथड जो कि सर्विस का मेथड है उसको हमने कॉल कर लिया। तो इसका जो वैल्यू है कहाँ आ गया, टाइटल के अंदर, और टाइटल को हम जहाँ बाइंड कराएंगे वहाँ बाइंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है दोस्तों,
तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। एक एक स्टेप फॉलो करेंगे, जो इतने भी स्टेप हमने बताया और उतने स्टेप फॉलो करके हम एक अच्छा सा सर्विस बनाते हैं और उसको हम यूज करके देखते हैं, तो जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट करेंगे। राइट, तो सर्विस क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ng g फॉर जनरेट, पूरा जनरेट लिख सकते हैं, फिर g लिख सकते हैं, फिर उसके बाद सर्विस। राइट, उसके बाद सर्विस का नेम देना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं न्यू सर्विस। राइट, अपने तरीके से कोई भी नेम दे सकते हैं आप, और इंटर हिट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि दो फाइल क्रिएट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। यहाँ पर दो फाइल क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यू सर्विस डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल। राइट, और यहाँ पर एक सपोर्टिंग फाइल न्यू सर्विस डॉट सर्विस डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस फाइल। राइट, तो इस सर्विस वाले फाइल में जाएंगे। राइट, और यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, आप देख सकते हैं कि इंजेक्टेबल जो हमने बताया था कि स्टेप्स में कि हमें इंपोर्ट करना होता है, तो ये आप ऑलरेडी इंपोर्टेड है, और हमें इंजेक्टेबल डेकोरेटर को ऐड करना होता है, तो ये भी डेकोरेटेड डेकोरेटर जो है ऐड किया हुआ है। राइट, जैसे हम कमांड लाइन से जनरेट करते हैं, सब कुछ अपने आप ऐड किया हुआ मिलता है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड करेंगे, तो वहां पर आपको इंपोर्ट करना होगा और डेकोरेटर भी ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास जो है हमारा एक्सपोर्ट न्यू सर्विस सर्विस जो बना हुआ है, इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। राइट, जिसको हम यूज करेंगे कंपोनेंट पर, जहां पर हमें यूज करना होगा इस सर्विस को। राइट, तो दोस्तों एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने हमारे डिस्प्ले, राइट, डिस्प्ले नेम का फंक्शन बनाया हमने, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं दोस्तों रिटर्न। राइट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेलो सहो सॉफ्ट सॉल्यूशन। राइट, और यहाँ पर हम लगा लेंगे सेमी कॉलन। तो दोस्तों अब हमारा सर्विस बनकर रेडी है, और जिस कंपोनेंट पर यूज करना होगा वहां पर हम इस सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, और इस सर्विस का जो मेथड डिस्प्ले हम उसको एक्सेस कर लेंगे। राइट, तो इसके बाद हम चलते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर, और यहाँ पर मान लो दोस्तों हमें यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा यहाँ पर इस सर्विस को, इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पर। राइट, तो इसके अंदर हम इम्पोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्विस में जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इस सर्विस के नेम को, जो क्लास नेम है, यहाँ पर फिर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ये, और इसको कहाँ से इंपोर्ट करना होगा हमें, फ्रॉम जो हमारा न्यू सर्विस है, इससे यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। राइट, इसके बाद हमें दोस्तों क्या हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इसको इंजेक्ट करना होगा। राइट, तो यहाँ पर हम इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट। राइट, और यहाँ पर हमारा दोस्तों हमने बना लिया न्यू सर्विस, ये हमने बना लिया वेरिएबल, और किस टाइप का बना लिया हमने, न्यू सर्विस का, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इंजेक्ट कर लिया। राइट, अब हम क्या करेंगे के बाद दोस्तों हम प्रोवाइडर ऐड करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों प्रोवाइडर भी दो तरह का होता है। राइट, जैसा कि मैंने स्टेप्स में बताया, यहाँ पर प्रोवाइडर ऐड कर लेंगे यहाँ पर हम। राइट, प्रोवाइडर ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इस सर्विस को ऐड कर लेंगे यहाँ पर। राइट, यहाँ पर कॉलन होगा, यहाँ पर हमने ऐड कर लिया इसको। राइट, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ng on init। राइट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू दिस डॉट, हमारा जो सर्विस का वेरिएबल हमने इंजेक्ट कर रखा है, डॉट डिस्प्ले आ गया। राइट, और इसको हम कॉल कर लेंगे। राइट, अब जो भी हमारा इस सर्विस के अंदर जो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा, वो हमारे टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या रिटर्न करा रखा है, हेलो सहो सब सॉल्यूशंस। राइट, तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, हमें बाइंड करना होगा जहां पर हमें शो कराना हो, तो हम इसके HTML पेज पर जाएंगे। राइट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर H2 लिख लेते हैं, और इस H2 के अंदर हम इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड कर लेंगे टेस्ट को। राइट, अब इसको हम सेव करेंगे और ng सर्व करेंगे। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ब्राउजर में क्या दिखता है। राइट,
यहाँ पर लिखेंगे एनजी सर्व, इंटर हिट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये कंपाइल हो चुका है, चलिए ब्राउजर में देखते हैं इसका इफेक्ट। तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है हेलो सॉफ्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा सर्विस से आ रहा है, राइट। कि हमने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर सर्विस बनाया, सर्विस हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को हमने कहाँ यूज कर लिया, सर्विस के थ्रू यहाँ पर इस कंपोनेंट पर, और इसका डेटा हमने टेक्स्ट में लाया इस फंक्शन का और हमने HTML पर बाइंड कर दिया, राइट। मींस कि दोस्तों हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये देखा कि सर्विस क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इस सर्विस को आप मल्टीपल कंपोनेंट्स पर जहां मर्जी वहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों। तब तक थैंक यू सो मच दोस्तों।